हेलो फ्रेंड्स, तो टिकटॉक की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ जो है पूरी इंडिया को लेकर है। तो ये वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए और आपको इस वीडियो में सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और कैरी मिनाटी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है जो कि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और भी कई सारे स्टारों के बारे में जानकारी आ रही है जैसे कि हनी सिंह, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार और आप देख रहे हैं आर के सिम यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड सारा कुछ अपडेट ला देते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। जो पहली खबर आ रही है वो कैरी मिनाटी की तरफ से आ रही है। आई एम बैक, यस आई नो, मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूं, बट अब मैं ट्राई करने वाला हूं कि मैं एक्टिव रहूं। और यस, लेट अस गेट इट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इससे यही लगता है कि कैरी मिनाटी की जो है बहुत जल्द वीडियो आने वाली है और ये वीडियो काफ़ी फाड़ू होगी। तो देखते हैं ये वीडियो कब तक आती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। और जो अगला अपडेट है वो भुवन बाम को लेकर है। भुवन बाम का एक नया वीडियो आ चुका है जो उनके चैनल वीवी की वाइंस पे अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगला अपडेट आ रहा है वो हनी सिंह की तरफ से आ रहा है और हनी सिंह का सैयाजी न्यू सॉन्ग आने वाला है। और ये सॉन्ग जो है राजस्थान में शूटिंग हो रही है इसकी, और ये सॉन्ग जो है रिलीज होगा नवंबर तक, ये सॉन्ग आ जाएगा। हनी सिंह ने खुद ही बताया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो डालकर। तो इस सॉन्ग की जो है शूटिंग राजस्थान में हो रही है और इसे गाया है नेहा कक्कर ने। तो ये सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे क्योंकि ये राजस्थान में शूट हो रहा है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का इसमें कुछ रोल होता है, तो इसीलिए जो है इसमें ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया। तो देखते हैं ये सॉन्ग कब लॉन्च होता है और कैसा होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगला अपडेट आ रहा है वो टिकटॉक की तरफ से आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है टिकटॉक ने बताया है कि 2020 में उस टिकटॉक प्लेटफॉर्म से कितने लोग जो है पॉपुलर हुए हैं और आज वो कितने डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो है टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे रह के भी कितनी कमाई की है तो उसके बारे में एक न्यूज़ आई है और एक जो है आर्टिकल आया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन वो 15 टॉप जो है ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने काफ़ी सारा रुपया जो है बनाया है टिकटॉक से, जिसमें निशा गुरगैन का भी नाम आया है और जिसमें रियाज का आया है, अली का आया है और कई सारे ऐसे पॉपुलर क्रिएटर हैं जिनका नाम आया है टॉप 10 की लिस्ट में, 15 टॉप 10 की लिस्ट में। इसमें जो है इंडियन टिकटॉकर्स 43 मिलियन फॉलोअर्स भी थे कुछ कुछ टिकटॉकर्स के, और उन्होंने जो है कम से कम नहीं तो 35,000 डॉलर से, यूएस डॉलर से ज़्यादा ही कमाया। इसमें कई सारी बड़ी हस्तियां हैं, टीम 07 के कुछ मेंबर्स भी हैं, और हो ना हो कई टिकटॉकर्स ने जो है टिकटॉक के ज़रिए अपनी लाइफ ही चेंज कर ली और आज वो बॉलीवुड में भी अपनी जगह बना चुके हैं। तो ऐसा कोई और भी अपडेट आता है टिकटॉक के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सोशल मीडिया अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो।